नमस्कार दोस्तों, डिजिटल लाइटिंग इंडस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एलईडी बल्ब बनाने का कुछ तरीका सिखाऊंगा, जिस तरीका से आप अगर फॉलो करेंगे और आप खुद उसको बना के मार्केट में बेचेंगे तो आप लोगों को रिजेक्शन बहुत सारा कम आएगा। कारण को बहुत सारा आदमी बल्ब तो बना लेते हैं लेकिन कुछ छोटा मोटा गलती कर देते, इस कारण मार्केट से रिप्लेस आता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और हम लोगों का चैनल में अगर नया है चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ ऐसे टिप्स से मैं आपको एक एक चीज करके बताऊंगा। पहला चीज है ये जो पीसीबी होता है, पीसीबी के पीछे में जो कटिंग करते हैं इस साइड में थोड़ा ऊंचा ऊंचा रहता है, तो उसको सही करने के लिए इसको चाहिए ऐसे सीरीज पेपर, इसमें रगड़ना चाहिए। ये रगड़ने के बाद इसके पीछे में जो भी आपका आपका था वो ये रिमूव कर देगा सीरीज पेपर में। उसके बाद में इसमें हीटसिंग लगा के आराम से ये जो दो नाइट दो जो स्क्रू है उसको पूरा सही तरीके से टाइट करना पड़ता है। अगर आप सही तरीके से नहीं नाट को टाइट करेंगे तो ढीला रह जाएगा। तो इसका ये जो हीट होगा ये हीट ये आपका ऑब्जर्व नहीं करेगा, कि जब ऑब्जर्व नहीं करेगा तो बल्ब आपका खराब हो जाएगा। बल्ब तो जलते रहेगा लेकिन इसमें खराब इस ये होगा, जो एलईडी 2 साल चलने वाला है वो एलईडी 1 साल में खराब हो जाएगा। किस लिए? उसका जो हीट है, हीट तो नहीं रुकेगा, तो हीट नहीं रुकने का कारण एलईडी जल्द से जल्द खराब हो जाए, तब मार्केट से रिटर्न आ जाएगा। तो यही पहला चीज़ ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। और इसके पीछे में जो हीट सिंक लगाना है वो सही तरीके से हीट सिंक लगाना, ना ज़्यादा लगाना है ना कम लगाना है। और ये जो स्क्रू है वो भी आपको लगाना है, पहला चीज़ ये। दूसरा है ये ड्राइवर, जहाँ से भी आप ड्राइवर लीजिएगा, जहाँ से भी आप परचेस करिएगा, सबसे पहले आपको ड्राइवर का क्वालिटी को मेजर करना है। इसमें से कितना मिली एम्पियर दे रहे हैं और कितना डीसी मिली एम्पियर आउटपुट दे रहे हैं और कितने एसी मिली एम्पियर ले रहे हैं, और ये आपका डीसी में इतना मिली एम्पियर देने का बाद ये जो अगर 9 वाट बना रहे हैं 9 वाट का कितना वाटेज निकाल के दे रहा है, ये सब सारा चीज़ ड्राइवर को पहले ड्राइवर टेस्टर मशीन से आपको टेस्ट करना है। जहाँ से मान के चलिए 500, 1000, 2000 रॉ मटेरियल्स ले, वहाँ से कम 10 से 12 पीस पहले चेक करना है जे ये जो ड्राइवर लिया ये ड्राइवर सही तरीके से सही है कि नहीं। तो उसके बाद आपको चेक करके फिर आपको लगाना है। अगर उसी तरीका अगर ये सब तरीका अगर आप नहीं फॉलो करेंगे तो मार्केट से आपको रिजेक्शन आना शुरू हो जाएगा। मार्केट से अगर रिजेक्शन आ गया तो माल आपका लॉसेस होना शुरू हो जाएगा। अगर लॉसेस हो गया तो आपका कंपनी धीरे धीरे बंद हो पड़ेगा। तो यही सब चीज़ पहले आप लोग देखिएगा, पहले आप लोग सोचिए उसको किस तरीके से टेस्ट करना है। ड्राइवर टेस्टर अगर चाहिए हम लोगों को बस मिल जाएगा, और ड्राइवर टेस्टर को किस तरीके से टेस्ट करना है उसके लिए आपका वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो हम लोगों का चैनल में इसका भी वीडियो बना के अपलोड किया है, उसमें भी आप देख सकते हैं। और उसके बारे में और भी कुछ जानना चाहता है और उसके बारे में और कुछ आप लोग पूछना चाहते हैं तो हम लोग ये जो वीडियो अभी पहले चल रहा है इसका नीचे में आपको एक नंबर शो होगा, उसमें से आप कॉन्टैक्ट नंबर लेके हम लोगों से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं या व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ अगर ध्यान में रख के आप अगर प्रोडक्ट को आप बनाएंगे तो आप मार्केट से रिजेक्शन आपका आना बंद हो जाएगा। अगर रिजेक्शन आना बंद हो जाएगा तो आपका कंपनी फायदे में रहेगा। जब आपका कंपनी फायदे में रहेगा तब आपका बिजनेस धीरे धीरे बड़ा होगा। और दूसरा चीज़ है ये वाला हाउसिंग। बहुत सारा आदमी क्या करता है, आपका मुनाफा ज़्यादा कमाने के लिए क्वालिटी को डाउन कर लेता है। इसके पीछे में इसका अंदर में एल्युमिनियम के बिना अगर एल्युमिनियम रहने के बावजूद भी हल्का एल्युमिनियम लगा लेते हैं तो उसमें भी आपका उस केस में भी रिजेक्शन ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। कोई जगह में ऐसे भी जगह में ये वाला बल्ब गया वहाँ पे आपका 24 घंटा से 18 घंटा जलेगा। अगर उस जगह में एल्युमिनियम का जो पीछे का अंदर का एल्युमिनियम जो है वो अगर कम रहने से वो उस जगह में आपका लाइट तो जलेगा ही लेकिन आपका लास्टिंग कम हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर में एल्युमिनियम कम है। कम होने का कारण ये हीट को ऑब्जर्व नहीं करेगा, हीट को आराम से रुक नहीं पाएगा, उस कारण में भी आपका रिजेक्शन ज़्यादा आएगा। तो
ये जो चीज आप लोगों को पहले ध्यान देना है, और प्रोडक्ट जो भी बनाएगा प्रोडक्ट के ऊपर पहले क्वालिटी टेस्ट करो, कर लो, टेस्ट करने के बाद ही मार्केट में आप प्रोडक्ट को बेचो। अगर क्योंकि उससे पहले अगर मार्केट में बेचेंगे एक बार या दो बार कस्टमर आपसे देख के माल खरीदेगा, नेक्स्ट टाइम आपसे देख के खरीदेगा नहीं। किस लिए खरीदेगा नहीं? क्योंकि आपका प्रोडक्ट में इशू है, आपका प्रोडक्ट में कंप्लेन है। तो वो सब चीज़ आप लोग ध्यान में रख के आराम से काम करिए, तब तो आपका फायदा होने ये वाला जो है। पीसीबी का रिजेक्शन होने का कारण यही है, पीसीबी ज़्यादातर कंप्लेन आता है तो पीसीबी के कंप्लेन आते हैं। कुछ आपका बनाने का तरीका में हमने देखा है, आपका उन लोगों ने यहाँ पे दो होल दिया है, दो स्क्रूप लगाना चाहिए लेकिन उसमें एक स्क्रूप लगा के छोड़ दिया। तो अगर एक स्क्रूप लगा के भी छोड़ने के बाद में भी आपका कंप्लेन आएगा, क्योंकि इसमें दो स्क्रूप इसीलिए दिया हुआ है जो इसको आराम से सही तरीके से ये वाला पीसीबी टाइट हो। जितना है टाइट होगा और जितना आपका इसके साथ चिपक के रहेगा तो ये टिक्की ये हीट जनरेट करेगा, लेकिन टिक्की ये हीट को अब्जॉर्ब करेगा। टिक्की क्या करेंगे, इस वाला बॉडी के अंदर देंगे, ये बॉडी पूरा बॉडी अपने आप ये वाला बल्ब को ठंडा होना शुरू कर देंगे, तब तो जाके आपका बल्ब का लास्टिंग आ जाएगा, बल्ब के ऊपर क्वालिटी भी मेंटेनेंस होगा। तो ये सब चीज अगर ध्यान में नहीं देंगे तो भी आपका बल्ब कंप्लीट आना शुरू हो जाएगा। तो ये सब चीज आपको ध्यान में देना है। जैसे आप लोग देखना चाहते हैं तो हम लोग को चैनल का सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।